दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉक में सभी देवियों, सज्जनों, बड़ों, छोटों का रोज की तरह हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने इस बार की जो गणेश चतुर्थी है वह बहुत ही शुभकारी मानी गई है और मनोवांछित फलों की द्योतक मानी गई है और यह अवसर हमारे जीवन में 3 साल के बाद आया है। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में मेरे मन में भी कुछ भाव आए कि मैं आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर अपने भाव प्रकट करूं और आपके सामने प्रस्तुत करूं। दोस्तों, यह त्यौहार वैसे तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे देश के महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ज़्यादा मनाया जाता है। मुंबई है, पुणे है, इन जगहों पर यानी दक्षिण भारत में ज़्यादा मनाया जाता है और महाराष्ट्र में तो इसको बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर गणपति बप्पा के का बड़ा ही मनोरंजन तरीके से बहुत ही पूजा अर्चना की जाती है और बहुत ही शुभकारी माना गया है। लेकिन दोस्तों, हर साल की तरह इस साल की गणेश चतुर्थी का संयोग जो है हमारे शास्त्रों के अनुसार लगभग 300 साल के बाद आया हुआ है। जैसे कि हमारे शास्त्र बता रहे हैं, उसके अनुसार मैंने देखा कि ये 300 साल के बाद ऐसा अवसर आया है। आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मैं सभी के जीवन में मनोवांछित फलों के लिए मन वचन से सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इसी संदर्भ में मैंने आज इस पुनीत पर्व पर अपने विचार और जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने के भाव प्रकट करने का प्रयास किया है। आप सुनिए, मनन कीजिए और गणेश जी की का स्मरण कीजिए और मनोवांछित फलों की अपेक्षा कीजिए। गणेश जी ऐसे हमारे पूज्य देवता हैं जो जल स्तर के देवता हैं और वही सभी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, इसीलिए गणेश जी का प्रथम पूजन किया जाता है। किसी भी पूजा में गणेश जी का प्रथम पूजन किया जाता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज गणेश चतुर्थी का आज का संयोग लगभग 300 सालों से शुभकारी होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि यह उत्सव इस बार बप्पा के प्रिय बार के दिन मनाया जा रहा है, जो कि बुधवार उनका प्रिय माना जाता है। हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार बहुत ही शुभकारी माना गया है। सभी कार्यों में सफलता के शुभ योग हैं। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार रवि योग 31 अगस्त 2022 को रवि योग शुरू हो जाता है 6:06 पर सुबह और सितंबर 2022 को, और 12:12 शुक्ल पक्ष योग शुरू हो जाता है जो 12:05 है, और 10:18 साइन को ब्रह्मयोग की शुरुआत हो जाती है, जो कि बहुत ही शुभ माना गया है और मनोवांछित फलों का द्योतक है। ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार दोस्तों, भगवान गणेश जी का जन्म हिंदू शास्त्रों के अनुसार जन्म हुआ था, और जैसे ही हम जानते हैं कि हम इनका जन्म दिवस हर साल भाद्र मास की शुक्ल पक्ष को गणेश चतुर्थी वैदिक पंचांग के अनुसार मनाने का प्राविधान हमारे देश में है। इस दिन गणेश जी की मूर्ति घर में लाई जाती है और विधि विधान के अनुसार उनकी पूजा की जाती है, और इसके खास तौर से मिट्टी की मूर्ति लाने का ज़्यादा प्राविधान है। उसमें भगवान को की पूजा करने का हमारे शास्त्रों के अनुसार विधि है। हमारे शास्त्रों में धन, विज्ञान, ज्ञान और समृद्धि की देवता माने जाते हैं। विभिन्न प्रकार के विघ्न बाधाओं को समाप्त करने वाले देवता माने गए हैं, और हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव की संतान के रूप में इनको मनाया जाता है, और भगवान गणेश जी को मोदक और लड्डू भोग के रूप में अर्पित किए जाते हैं और वह उनको बहुत ही प्रिय हैं। उनके भजन में भी ऐसा प्रकरण है। गणेश जी का गणेश महोत्सव को खास तौर से
महाराष्ट्र, बम्बई, पुणे इन जगहों में ज़्यादा मनाए, बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह 3 से 10 दिनों तक का आयोजन इस में होता है और इस दिन हमारे ख़ास तौर से लोगों में लहसुन और प्याज खाना वर्जित माना गया है। इस व्रत में लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए और अगर व्रत करने के बाद अगर हम भोजन भी करते हैं तो वह चीज़ नहीं खानी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सुन्य को तब ब्रह्मा के और पौत्र तपस्वी कश्यप जी के ने शिव जी को श्राप दिया था जिससे शिव जी ने गणेश जी का सिर काट डाला था। ये सब लोग जानते हैं, हमारे पौराणों में ऐसा है, पौराणिक कथाओं में कहा जाता है ऐसा। एक बार शिव जी ने अपने पुत्र का सिर त्रिशूल से काट दिया था। इस प्रकार उनको सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट विघ्न विनाशक, धूमकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र व गजानन इत्यादि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही मतलब देवताओं के अपने प्रकरण हैं, जैसा हमारे शास्त्र में हमने पढ़ा है उसी के अनुसार हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। इसका इतिहास हमको जानना बहुत ज़रूरी है। गणेश जी के जो ससुर थे वह सृष्टि के रचयिता, जैसे कि सब लोग जानते हैं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी थे। गणेश जी को मोदक, मोतीचूर के लड्डू व फलों की पूजा करने और प्रसाद का भोग लगाया जाता है, सब लोग लगाते हैं। और गणेश जी की मिट्टी की बनी मूर्तियों जो कि हम संख्या में घर के अंदर पॉजिटिव रूप में होनी चाहिए, प्लस पॉइंट में होनी चाहिए, यानी 2, 4, 6 सम संख्या में होनी चाहिए। ये सुख समृद्धि और घर में तरक्की के सूचक माने जाते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा के मानक होते हैं। गणेश जी की शिक्षा उनके गुरु विष्णु के अवतारी परशुराम व वेदव्यास जी ने पूर्व जन्म के महिष्पति वरेण्य के पुत्र थे। ऐसी मान्यता है कि गुरु होने के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने योग से उनकी 2 कन्याएं सिद्धि प्रकट हुए और दोनों उनकी मानस पुत्रियां थीं। 4 हाथों में कमल और ज्ञान का प्रतीक, दूसरी ओर कुल्हाड़ी रखते थे। ज्ञान के आने पर पुराने कर्म संस्कारों के आधार पर पुराने संचित ज्ञान के रूप में उनकी मान्यता है। और भगवान गणेश शुभता, बुद्धि और ज्ञान के देवता माने जाते हैं। उनके भाई कार्तिकेय, बहन अशोक सुंदरी थी। गणेश जी को घर के पूर्व या पश्चिम दिशा में रखना ज़्यादा सुकारी माना जाता है। इनका सबसे पसंदीदा रंग हरा और पीला माना जाता है। दोस्तों, सभी चीज़ों की हमको जानकारी होनी चाहिए। तो कहा भी है उनके बारे में, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभव, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभव, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सदा। यानी अर्थात हमारे मन को भय से मुक्त करते हैं, हमारे संकल्प और साहस को भी मजबूत करते हैं। भगवान शिव के द्वारा मिले वरदान के आधार पर गणेश जी को प्रथम पूजा करने का वरदान प्राप्त हुआ, इसीलिए किसी भी पूजन में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। ये उनके पिताजी भगवान शिव ने गणेश जी को प्रथम पूजन के रूप में करने का वरदान दिया। ये वरदान उनके आज भी है, आज भी हमारे वेदों में, शास्त्रों में, हमारी मर्यादाओं में उनका पूजन सबसे पहले होता है। हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो गणेश जी का नाम सबसे पहले लेते हैं, इसका मुख्य कारण यही है। इस प्रकार देवी पार्वती गणपति की निर्माता बनी। उन्होंने भगवान शिव की अनुपस्थित में गणेश जी को मनाने के लिए शरीर में चंदन का लेप लगाकर उनका इस्तेमाल किया। वे स्नान करने गई थी, उनका पहरा दे दिया, तब वह चली गई तो भगवान शिव और गणेश की इसी बीच में लड़ाई हो गई, क्योंकि मेरे अनुपस्थित में आपने ये काम किया, उन्हें माँ के आदिनुसार उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। जैसे कि सभी जानते हैं कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी थे, ऐसी भी मान्यता है कि कश्यप जी ने शिव जी को श्राप दिया था। कश्यप जी ने शिव जी को श्राप दिया था, इसीलिए शिव जी ने गणेश जी का सिर काट डाला था। इस प्रकार वृत्तांत बहुत विशाल हैं। हमारी हिंदू समाज की मान्यता के अनुसार दोस्तों, गणेश चतुर्थी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और भगवानों की लीला है ये, इसी को कहते हैं लीला। इस भगवान गणेश जी
ने शिव जी और पार्वती के गणेश जी पुत्र थे उनकी आराधना की जाती है। भगवान गणेश हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की विघ्न बाधाओं और परेशानियों को दूर करते हैं। जहाँ पर तो कहा भी है उनके राज में वह निर्विघ्न हैं, निर्विघ्न हर्ता हैं, विघ्न विघ्नों को हरण करने वाले हैं। एक तो भगवान शिव द्वारा दिए गए वरदान के आधार पर गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वह भगवान शिव के भगवान शिव ने उनको वरदान दिया था कि सबसे पहले इनकी। दूसरी बात यह है दोस्तों, दूसरा गणेश जी जल तत्व के देवता हैं। ये जल में जल तत्व के देवता माने जाते हैं। जल तत्व जो है बहुत ही प्रभावी होता है। जल तत्व में ही सभी देवताओं का वास माना जाता है। सभी देवताओं का जल में वास माना जाता है। जल तत्व के आधिपति देवता होने के कारण उन्हें सबसे पहले पूजा करता है। ये दो कारण सबसे पहले हैं, दो कारण मुख्य हैं जो गणेश जी को जो है हमको मालूम होना चाहिए दोस्तों। गणेश जी को सबसे पहले क्यों पूजा करता है? सबसे पहले है कि शिव जी ने उनको वरदान दिया था सबसे पहले पूजने का। दूसरा यह है कि वह जल तत्व की देवता थे और उनकी मान्यता थी और सभी देवताओं का वास जल में होता है, इसलिए उनकी मान्यता को सबसे पहले माना गया। इस प्रकार हमारे जीवन को सुख शांति समृद्धि और विभिन्न प्रकार की विघ्न बाधाओं से निराकरण करने के लिए गणपति देवता का बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव गणेश चतुर्थी की विधिवत व्रत रखकर पूजा की जाती है। ये सब लोग पूजा करते हैं। कभी भी गणेश चतुर्थी होती है तो पूरे भारतवर्ष में इनकी पूजा की जाती है। और इसमें कहा भी है दोस्तों, ओम एकादंताय विघ्नेय वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम वक्रकुण्ड महाकायो सूर्यकूर्ज संप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ये गणेश जी के बारे में याचना की जाती है। दूसरी बात है, मैं गणेश जी की फिर याचना करता हूँ। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित जम्बु फलदार भक्षण उमा सुतम शोक विनाशकार गंग नमामि विघ्नेश्वर बार पंकजम। इस प्रकार दोस्तों आज गणेश चतुर्थी का पुण्य अवसर है। इस पुण्य अवसर पर मैंने अपने विचार व्यक्त किए, अपने भाव लिखे। सभी लोगों को गणेश जो हमारे सबसे पूज्य देवता होते हैं सबसे पहले पूजा की जाती है। महाराष्ट्र में ये 10 दिन का त्यौहार होता है और अंत में जो है गणेश जी की जो मिट्टी की प्रतिमा होती है उसको जल में प्रवाहित किया जाता है और उसी दिन से यह व्रत टूटता है। और गणेश जी दोस्तों निर्विघ्न विघ्नों को हरने वाले हैं, सभी के मनोवांछित फलों को की पूर्ति करने वाले हैं और मन वचन और कर्म से जो उनकी पूजा करता है उनको फलाभाव फलों का अनेक फलों की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी के आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर सभी के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ और सबका जीवन उज्जवल हो। आज 300 साल के बाद गणेश चतुर्थी का पुण्य पर्व है। इस पर्व के पर्व के शुभ अवसर पर सबको अच्छे मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो और मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। और दोस्तों अगर यदि आपको मैंने जो ये विचार लिखे गणेश जी के बारे में अगर आपको अच्छे लगे, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमको अपने आध्यात्म के अनुसार अपने जो हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, मर्यादा हैं, जो कथाएँ हैं उनको हमको स्मरण करना चाहिए कि देवताओं में कितनी शक्ति थी। वे मतलब अब लोगों को हमारे सृष्टि की रचना करके उन्होंने कितने प्रकार की प्रक्रियाएं की, उसके करने के बाद भी मानव जीवन में एक प्रकार के आगे की सृष्टि को चलाने के लिए मानक पेश किए और वही हमारे लिए आज प्रेरणा के स्रोत हैं। और हम आज पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मना रहे हैं। इस अवसर पर आज सब देश के आधे से ज़्यादा जगहों पर अवकाश मनाया जा रहा है। सभी लोग गणेश चतुर्थी का पूजन कर रहे हैं और भगवान गणेश जी को मना रहे हैं। सर्वमंगल मंगल सर्वा साधि शरणी तेमें गणाधिपति नाम।
गणानंता गणगना विधिनाता विधान मैं गणेश चतुर्थी के अवसर पर सबको सबके जीवन की मंगल कामना के साथ अपने की याचना करता हूँ।